अरे गाइस, कहां से इतने सारे लिटिल सिंघम मेरे पीछे पड़ गए। गाइस कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरे लिटिल सिंघम भैया के साथ जरूर किसी ने कुछ किया होगा। गाइस देखो तो कितने सारे लिटिल सिंघम है गाइस, वो भी हजारों में। बाप रे बाप, ये तो हमें मारने के लिए आ रहे हैं गाइस, मुझे छोड़ेंगे नहीं लगता है। ये लोग मुझे आज मार कर ही रहेंगे। यार कोई तो मदद करो मेरी प्लीज। लिटिल सिंघम भैया कहाँ पे हो आप, कौन से वाले भैया हो आप, बताओ कुछ तो बताओ। इतने सारे लिटिल सिंघम के बीच में हमारा रियल वाला लिटिल सिंघम भैया कौन सा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मुझे। यार कोई तो मदद करो मेरी प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है यार, मुझे बचाओ कोई तो बचाओ। अरे यार केको भैया, मैं छत के ऊपर हूँ, छत के ऊपर तो देखो। अरे यार मैं कैसे यहाँ से निकलूँ, अरे अरे मर जा, काट लिया काट लिया, मर गया यार मर गया यार, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे जाने दो यहाँ से। भाई साहब इतने सारे लिटिल सिंघम भैया कहाँ से आ गए अचानक से, मुझे जाने दो जाने दो प्लीज। अरे 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 मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, किसने ये सब किया होगा हमारे लिटिल सिंघम भैया के साथ। इतने सारे रूप बना दिया, हजारों रूप बना दिया लिटिल सिंघम भैया का, और सारे के सारे मेरे खून के पैसे हो गए गाइस। जहाँ पर भी मैं जा रहा हूँ वहाँ पर मारने के लिए आ रहे लिटिल सिंघम भैया। तो अपने अपने ड्यूटी में गए थे गाइस, अचानक से इतने सारे लिटिल सिंघम भैया कहाँ से टपक पड़े हमारे घर में, और मेरे को मारने के लिए भगा रहे इधर उधर। मैं क्या करूँ, कोई तो मदद करो मेरी। अरे केको भैया ऊपर आ जाओ, ऊपर आओ जल्दी से। अरे ऊपर कैसे आऊँ, इतने सारे लिटिल सिंघम मेरा पीछे ही नहीं छोड़ रहे, जहाँ भी जा रहा हूँ नोच रहे काट रहे, मेरे को मार डालेंगे ये लोग। देखो यहाँ पे हूँ मैं, और यहाँ पे सिबा भैया तो तड़के मारे बेहोश हो गए इतने सारे लिटिल सिंघम भैया को देख कर। अब क्या होगा। अरे गाइस ये क्या हुआ, सिबा तो दड़के मारे बेहोश हो चुका है गाइस। अरे मेरे को कुछ करना पड़ेगा गाइस, यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये ले लिटिल सिंघम के रूप को मैं खत्म कर दूंगा गाइस, पर मुझे पता नहीं है हमारा रियल वाला लिटिल सिंघम भैया कौन सा है इनमें से। अगर इनको मैं गलती से मार दूंगा गाइस तो क्या पता हमारा लिटिल सिंघम भैया ही मर जाए यार, इसलिए मैं इनको नहीं मारना चाहता हूँ, नहीं मारूंगा मैं इनको। लिटिल सिंघम भैया पता नहीं कौन से है। अरे केको भैया देखो ना, सिबा भैया बेहोश हो गए हैं, और ये लगता है ये लोग छत के ऊपर पहुंच नहीं पा रहे हैं। शिनचैन ये काम करते हैं, जो कार है ना इस कार को यहाँ से लेकर भाग जाते हैं, और सिबा को वहाँ पे ही रहने दो, क्योंकि ये सारे के सारे लिटिल सिंघम भैया छत के ऊपर नहीं चढ़ पा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे सिबा को कुछ नहीं होगा। अरे यार अब मैं क्या करूँ इनसे, मुझे तो पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा। भागो भागो केको भैया, जल्दी से भागो और फटाफट से इनको चकमा देकर घर के यहाँ पे आओ, और कार में चढ़ के यहाँ से 9 to 11 हो जाते हैं। अरे जाने दे, अरे मर गया मर गया, लगता है केको भैया को बहुत पीट रहे हैं ये लिटिल सिंघम। भागो भागो भागो, ये लोग तो मुझे मार ही डालेंगे, इनके हाथ पे अगर मैं चढ़ गया तो ये लोग छोड़ने वाले है नहीं। पता नहीं कौन सा हमारा इले कौन सा हमारा दुश्मन है गाइस, जो इतने सारे लिटिल सिंघम को बना दिया है और मेरे पीछे छोड़ दिया है गाइस, बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। अरे शिनचैन फटाफट से गाड़ी में बैठो, गाड़ी लेकर निकल जाएंगे, और सिबा को वहाँ पे ही रहने दो, तब तक हम पता लगा के रहते हैं रहेंगे आखिरकार किसने ये सब किया है हमारे लिटिल सिंघम भैया के साथ। अरे 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 हटो हटो हटो, अरे यार ये तो गाड़ी को पलट रहे हैं, चलाने ही नहीं दे रहे मुझे, मैं कैसे निकलूंगा। केको भैया कुछ भी करो बस गाड़ी को यहाँ से निकालो, मुझे भी गाड़ी में बैठना है। अरे शिनचैन तुम्हें गाड़ी में बैठना है तो जल्दी से नीचे उतरो, देखो कितने सारे लिटिल सिंघम है, सारे के सारे गाड़ी को पकड़ रहे हैं हमारे, और इतने सभी को मैंने गाड़ी के नीचे कुचला, क्या पता ये लोग मुझे कुछ से मैं मार ही डाले। अरे यार फटाफट से शिनचैन यहाँ पे आ जाओ। इतना दूर क्यों चले गए, मैं कैसे जाऊंगा। अरे केको भैया इधर आओ इधर आओ। अरे अरे मैंने रोक दिया है गाड़ी को, फटाफट से आ जाओ शिनचैन। रुको जरा ये गेट तो खोलने दो, मैं बैठ गया हूँ, केको भाई आप चलो फटाफट से गाड़ी लेकर। अरे गाइस ये लोग तो छोड़ ही नहीं रहे, अरे हट 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 जा। हाँ भाई साहब निकल गया हूँ मैं जैसे तैसे। शिनचैन एक काम करते हैं हम लोग ना उस चुड़ैल ग्रैनी के घर में जाते हैं अड्डे में। केको भैया हम तो ग्रैनी के अड्डे में पहुंच चुके हैं, चलो उसके घर के अंदर, जरूर उसने कुछ किया होगा हमारे लिटिल सिंघम भैया के साथ, जो इतना सारा रूप बना दिया है, आज तो हम छोड़ेंगे नहीं उस ग्रैनी के बच्चे को। और यार ग्रैनी ग्रैंडपा सब लोग कहाँ पे हो, तुम लोग निकलो अपने घर से, कहाँ पे छुप गए, आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, तुम लोगों ने बहुत बुरा किया है मेरे लिटिल सिंघम भैया के साथ। केको भैया छोड़ना मत, उन लोगों का चटनी बना देना पेट पेट के। और यार ये लोग तो दिख ही नहीं रहे शिनचैन,
लगता है ये लोग घर में है नहीं, फिर कहाँ गए होंगे, जरूर ये लोग कुछ बड़ा कर रहे हैं। ये क्या चीज है, ये मैजिकल धुआं जैसा कुछ निकल रहा है सिंचन, देखो तो यहाँ पे ये तो बहुत ही बड़ा सा मैजिकल पिंक पिंक सा धुआं है। और इसके अंदर जाकर देखते हैं आखिरकार क्या है इसके अंदर। मुझे लग रहा है ये इनके अड्डे में जाने का रास्ता है। सिंचन जल्दी से आ जाओ। केका भैया रुको, मुझे भी लेकर चलो अपने साथ। अरे आओ जल्दी से, फटाफट से यहाँ पे रहना पड़ेगा, खड़े रहना पड़ेगा, फिर हम पहुंच जाएंगे इनके अड्डे में। केका भैया ये देखो हम कहाँ पे पहुंच गए हैं, आसमानी की ऊंचाइयों में। और ये तो ग्रैनी का अड्डा लग रहा है मुझे, लगता है यहाँ पे उस ग्रैनी ने मेरे लिटिल सिंघम भैया को कैद करके रखा होगा और यहाँ से वो डुप्लीकेट बना रही है। फिर चलो हमारे लिटिल सिंघम भैया के पास और उस ग्रैनी चुड़ैल के पास। अरे हाँ कि हाँ सिंचन, पर एक बात याद रखना, अगर हम लोग नीचे गिर गए हैं ना इस रैम चैलेंज से, तो कभी भी इस रैम चैलेंज को हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और उस ग्रैनी के पास पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए एक ही बार में ये रैम चैलेंज हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। बाप रे बाप, बहुत ही हार्ड है ये, देखो स्पाइडरमैन के डुप्लीकेट, इनको भी खत्म कर दो केको भैया, नहीं तो ये लोग तो हमें छोड़ेंगे नहीं, खा जाएंगे। अभी करता हूँ, ये देखो मार दिया मैंने सबको। चलो आगे निकलते हैं अब। केका भैया बचाओ, मुझे डर लग रहा है, अब आज आपके ऊपर ही है सारा का सारा, करता डरता आप ही हो। अरे यार सिंचन ऊपर चढ़ नहीं पा रहा हूँ मैं, अब क्या करूँ। अरे अरे मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं मैं ये राम चैलेंज कंप्लीट करके उस ग्रहणी के पास पहुँच भी पाऊंगा या नहीं। पता नहीं होगी रानी क्या कर रही होगी हमारे लेडी सिंघम भैया के साथ। तुम्हें पता है ना कुछ दिन पहले ऐसे ही कुछ किया था उस रानी ने, हमारे उस सिंचन को पकड़ के रखा था और उसका बहुत सारा डुप्लीकेट बना दिया था, याद है ना तुमको सिंचन। हाँ याद है मुझे, मुझे तो पकड़ के लेके गई थी अपने अड्डे में और बहुत सारा तपस्या कर रही थी और मेरा रूप बना रही थी। और देखो ये सुपरमैन को भी मैंने खत्म कर दिया। अरे यार ये देखो सुपरमैन तो गिर गया नीचे। आगे बढ़ते चलो केको भैया, नहीं तो हम कैसे लेडी सिंघम भैया के रूप को खत्म कर पाएंगे। अरे ये देखो इसका तो मैंने बैंड ही बजा दिया, ये सुपरमैन तो गिर ही नहीं रहा है, ढीठ कहेगा अब इसका क्या करूं। चलो आगे बढ़ते रहो। ये ले इसको फेंक दिया मैंने सिंचन, देखा तुमने। आपने तो मस्त तरीके से इसका गोली मार कर फेंक दिया नीचे, अब जल्दी से आगे बढ़ो फटाफट से। और यहाँ पे आयरन मैन के डुप्लीकेट तो देखो कितना डांस कर रहे हैं लोग, इनको भी खत्म कर दूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं। अरे इसको तो गोली ही नहीं लग रहा है। चलो इनका रहने दो, डांस करने दो, हम लोग आकर निकलते हैं ना केको भैया। अरे हाँ तुम सही बोल रहे हो सिंचन। अरे यार अभी यहाँ से हमें जंप करवाना पड़ेगा गाड़ी को। और ये देखो आगे निकल चुके हैं। और भाई अब बस थोड़ा सा ही है फिर हम उस ग्रैनी के पास पहुंच जाएंगे। आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया हमारे लेडी सिंघम के भैया के साथ, आज उसको छोड़ूंगा नहीं, उसका खेल खत्म कर दूंगा, आज वो बचेगी नहीं, उसके मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा सिंचन। केको भैया जरूर, उसकी तो चटनी कर दूंगा मैं भी नहीं छोड़ने वाला उसको, उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करने की। चलो 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 फटाफट से, ये भाई सब बच गया बच गया, मुझे तो लगा था मैं नीचे गिर जाऊंगा सिंचन। मुझे भी लग रहा है हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और अरे सिंचन कंप्लीट करने का नहीं बोल रहा हूँ, क्या पता नीचे गिर जाए हम, ये बोल रहा हूँ। ठीक है चलो जल्दी जल्दी फटाफट से, आज तो ग्रैनी के बाल लोच लूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं। ये देखो केको भैया कितने सारे यहाँ पे स्पाइडरमैन और सुपरमैन और आयरन मैन है, सबको खत्म कर दो। और सबको मार डालूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये गया आयरन मैन, अब ये स्पाइडरमैन को भी खत्म कर देते सिंचन, क्योंकि ये लोग हमें रास्ते से निकलने ही नहीं देते अगर खत्म नहीं करते तो। अरे बाप रे कितना बड़ा सा बिंगो है, मन कर रहा है खा जाओ। अरे गाइस यार प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अगर आप लोग चाहते हो हम लोग ये रैम चैलेंज कंप्लीट करके ग्रैनी तक पहुंच जाए तो। अरे यार बस थोड़ा सा ही है सिंचन, थोड़ा सा ही है। और बाप रे कितने ऊपर है हम लोग, अगर नीचे गिरेंगे तो हमारा तो भरता ही बन जाएगा। जल्दी से बस किरानी के पास पहुंच जाऊं, फिर उसको मजा चखा कर रहूंगा मैं, आज छोड़ूंगा नहीं उसको। बाप रे बाप कितने टेढ़े मेढ़े पिंगो है, भूख लगी है मुझे केको भैया बहुत जोर की। अरे
सिंचान मुझे भी बहुत भूख लगी है, पर क्या कर सकते हैं, पहले गिरानी को पकड़ते हैं। वो कर क्या रही है, पहले देख तो लूँ यहाँ पे। अरे 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 बाप रे। अरे गाइस जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो चैनल को और वीडियो को लाइक करो ताकि हम लोग ये जल्दी से रैम चैलेंज कंप्लीट कर पाए, फटाफट से सब जो सब कुछ हम लोग पहले जैसा नॉर्मल कर पाए। गाइस जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और लाइक करो। आगे बढ़ो केका भैया, डरो मत। अरे डर कौन रहा है, आज तो मैं इस ग्रैनी को छोड़ूंगा नहीं, देखना तुम सिंचान, आज उसके मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। देखते हैं क्या करते हो या आप तड़के मारे, आप भी सिवा भैया के जैसे बेहोश हो जाओगे। और ये देखो सिंचान, यहाँ पे वो ग्रैनी और लेडी सिंघम भैया को तो देखो फेंक कर बेहोश करके रखा है, और ये चाँद उठोना कर रही है और हमारे लेडी सिंघम भैया का बहुत सारा रूप बना रही है। ये मर गई। अरे यार चलो अब हमारे लेडी सिंघम भैया भी मिल गए। अरे हाँ मेरे को यहाँ पे ग्रानी ने पकड़ के रखा था। अरे लेडी सिंघम भैया चलो अब घर जाते हैं जल्दी से, आपका हजारों रूप बना दिया इस ग्रानी ने, चलो अब देखते हैं सारे के सारे आपके रूप खत्म हुए हैं या नहीं, क्योंकि हमने तो ग्रानी को खत्म ही कर दिया है, तो उसके वजह से सारे के सारे आपके रूप भी खत्म हो जाएंगे। अब घर जाते हैं जल्दी से, घर चलो। अरे केको भैया यहाँ पर तो एक भी लेडी सिंघम भैया का रूप नहीं है, सबके सब गायब हो गए, इसका मतलब सारे के सारे रूप खत्म हो गए अपने आप। अरे ये क्या हुआ, चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ। गाइस इसी बात पे सबके सब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से।